हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स यानी कि गति विज्ञान और जैव यांत्रिकी विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके आने वाले हर फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ इसमें फायदा मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचित होने वाली मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं प्राइम मूवर या एगोनिस्ट। जैसा कि दोस्तों, आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो जब फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन करने में जब हमारा हैंड जो आप फ्लेक्शन कर रहे हैं मोड़ रहे हैं यानी डंबल अभ्यास कर रहे हैं, तो मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स मसल्स, यानी कि वो प्राइम मूवर है। और जो उसकी प्रतिरोधी भूमिका यानी कि उसकी जस्ट उल्टा भूमिका अदा करता है वो होता है इसमें आपका एंटागोनिस्ट, जो मुख्य भूमिका अदा करता है गति करने में, कार्य करने में, उससे प्राइम मूवर या एगोनिस्ट कहते हैं। और उसके विपरीत करने वाले गति को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। अगर आप हाथ को मोड़ते हैं तो उसमें मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स मसल्स, यानी कि यहाँ प्राइम मूवर या एगोनिस्ट मसल्स कौन हुआ? बाइसेप्स। और उसके विपरीत कौन बल लगा रहा है? तो वह है आपका ट्राइसेप्स, यानी एंटागोनिस्ट कौन हुआ? ट्राइसेप्स। वहीं पे आप दूसरी क्रिया करते हैं, यदि आप अपने हाथ को फैलाते हैं यानी एक्सटेंशन करते हैं, तो एक्सटेंशन में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल, तो वहां पे मुख्य प्राइम मूवर यानी एगोनिस्ट मसल हुआ ट्राइसेप्स। और विपरीत बल लगा रहा है आपका बाइसेप्स, तो यहाँ पे आपका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हो गया आपका बाइसेप्स। इस प्रकार कार्य करता है, यानी कि जो कार्य करने में मुख्य रूप से संकुचित यानी सहायता करता है उसको हम कहते हैं प्राइम मूवर या एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी न तो घटती है न बढ़ती है और तनाव बना रहता है? तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। जैसा कि आइसोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ आइसो धन मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी कि सेम लंबाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और गति करता हुआ दिखाई भी नहीं देता, जैसे दीवार को धक्का मारना। और जैसे कि ये मांसपेशी संकुचन की तीन विधियां हैं, जैसे कि जो हमारा स्ट्रेंथ होता है उसको डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, जिसे आइसोमेट्रिक में गति करती हुई न घटती है न बढ़ती है, कोई गति नहीं होती है, कोई गति होती हुई दिखाई नहीं देती है, जबकि आइसोटोनिक में क्या होता है कि इसमें मांसपेशी बढ़ती भी है और घटती भी है और तनाव सेम बना रहता है, ठीक है। और तो उसमें आपका वेट ट्रेनिंग हो गया, डंबल अभ्यास हो गया, ये सभी क्रियाएं आएंगी। और जो कि आइसोटोनिक होता है दो प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि मांसपेशी छोटी होती है यानी कि हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। और इंसेंट्रिक में क्या कहते हैं? इंसेंट्रिक में मांसपेशी लंबी होती है यानी कि एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं। और तीसरा प्रकार होता है आइसोकाइनेटिक, उसमें सेम गति होती है, मशीनों द्वारा किया जाता है। अक्सर जो आपका रोइंग और तैराकी इस सब चीजों में जो मशीनों द्वारा अभ्यास किया जाता है, ज्यादातर जल वाले क्रीड़ा में किया जाता है, उसको आइसोकाइनेटिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनेसियोलॉजी का तात्पर्य किस विज्ञान से है? तो किनेसियोलॉजी का अर्थ होता है गति विज्ञान, जिसमें गति से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि हमारे शरीर में कैसे गति होती है। नेक्स्ट है, मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान मांसपेशी घटती है मगर बढ़ती नहीं है, तो एक तनाव बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे कंसेंट्रिक होना चाहिए, जबकि आइसोटोनिक भी सही रहेगा, अगर उसमें से कोई प्रकार नहीं दिया रहेगा, घटने या बढ़ने की बात कहे तो आइसोटोनिक सही होगा, और उसके प्रकारों को दिया रहेगा तो कंसेंट्रिक घटना और इसेंट्रिक बढ़ना। नेक्स्ट है, जब कोई मांसपेशी संकुचित होती है तो उसके विपरीत दिशा की मांसपेशी प्रकुंचित होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जब कोई मांसपेशी संकुचित होती है तो उसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और उसके विपरीत दिशा की जो मांसपेशी होती है प्रकुंचित होती है तो उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट।
नेक्स्ट है, एबडक्शन का क्या अर्थ है? शरीर का कोई अंग बाहर की ओर या उसके एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर जाना। तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसा कि ए आपका है, एबडक्शन का मतलब होता है एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि शरीर से आपका हाथ दूर जाएगा। ये आपका एबडक्शन है, ठीक है, ये आपका एबडक्शन है। जबकि ए क्या है? आपका एडक्शन है, ठीक है, एडक्शन है। तो इसमें क्या है? कोर जो है आपका, कोर क्या है? कोर बढ़ रहा है। कोर क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोर बढ़ना, ठीक है। और वहीं पे एडक्शन में क्या हो जाएगा? कोर घटना। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम का दूसरे नियम को कहा जाता है त्वरण का नियम, संवेग का नियम, और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम को त्वरण का नियम और संवेग का नियम कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में हमने बताया हुआ है, न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में। नेक्स्ट है, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? तो तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसा कि न्यूटन ने तीन गति के नियमों को अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया दिया है, जिसमें से इन्होंने 1687 में इसको प्रिंसिपिया पुस्तक में प्रकाशित किया था। पहला नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है, जिसमें बात है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और गति कर रही हो तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और दूसरा नियम आपका होता है संवेग का नियम या त्वरण का नियम या लॉ ऑफ मोशन या एक्सीलरेशन या मोमेंट, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं, काउंटर फोर्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है, जिसमें से यह तीसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। जैसे पहले बल को क्रिया कहेंगे जो बल लगाएंगे, और जो बल हम पर लगाएंगे उसको हम प्रतिक्रिया बल कहेंगे। तो तीनों का हमारे शरीर में जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, जैसे कि नाव खेना, स्प्रिंट दौड़ों में स्टार्ट लेना, रोमन रिंग का प्रारंभ करना, हैमर थ्रो का प्रारंभ करना, कुश्ती के विरोधी को ऊपर उठाना, ये सब हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ यानी जड़ता के नियम में। सेकेंड लॉ का आपका एग्जाम्पल होगा जैसे रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना, कुएं से पानी खींचने पर रस्सी टूट जाना। तीसरा नियम का एग्जाम्पल है क्रिया प्रतिक्रिया का, कि तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग यानी पैदल चाल, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, मैं गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये एग्जाम्पल है थर्ड लॉ का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रो में हैमर को घुमाते समय फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है? तो जब हम हैमर थ्रो में हैमर को घुमाते हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्री पीटल बल, यानी अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र की ओर। तो जब हम कोई चीज घुमा रहे हैं तो वो बल लग रहा है केंद्र की ओर, यानी सेंट्रीपिटल बल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है? तो छोड़ते वक्त अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल बल, यानी अपकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीपिटल बल कहते हैं वो केंद्र की ओर बल लगता है, अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल बल फोर्स कहते हैं जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। यानी कि हैमर थ्रो में घुमाते वक्त सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल लगता है, और छोड़ते वक्त अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूटन के कौन से नियम में आते हैं? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स में आपस में क्या संबंध है, तो दोनों के बराबरी का संबंध है दोस्तों। जितना आप क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया भी उतना ही होगा, जितना आप बल लगाएंगे वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगा। नेक्स्ट, जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, आराम कर रही है तो आराम ही करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि किसी भी चीज का आराम और गति का अध्ययन। नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंतरिक बल जो होता है वो मांसपेशी द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे कि बल दो प्रकार का है, आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्स और बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो होता है वो मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है जैसे कि हमारा घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, ये सभी चीजें हो जाएंगी आपका बाह्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी हो जाएंगे बाह्य बल। नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल किसे कहते हैं? तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इसमें आ जाएगा हवा का प्रतिरोध, एवं गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण, ये सभी आ जाएंगे बाह्य बल में, एक्सटर्नल फोर्स में। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी का जब किसी बाल को कैच लेता है और बाल का हाथों में संपर्क आने के बाद हाथों को नीचे की तरफ खींचता है, वहां पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, न्यूटन का यहाँ पे दूसरा नियम लगता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम यहाँ पे लगता है, संवेग का नियम, यानी कि जिस वेग से बॉल आएगा उसी वेग से हाथ पीछे भी जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्पीड किसे कहते हैं? तो स्पीड कितने यानी कि एक इकाई समय में कितना दूरी तय किया गया उसी को हम कहते हैं स्पीड, यानी इसका दूरी बट्टा समय होता है सूत्र। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु S1 स्पीड से जाती है तथा S2 स्पीड से आती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसको औसत चाल होगी 2 S1 गुणा S2 अपान S1 प्लस S2। नेक्स्ट है मांसपेशी की इकाई क्या है? तो मांसपेशी की इकाई है माइक्रोन। नेक्स्ट है फोर्स की इकाई क्या है? तो दोस्तों फोर्स की इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? फोर्स की इकाई न्यूटन होता है, न्यूटन। तो यहां पे क्या दिया है? मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर पर आवर स्पीड की इकाई होती है, ये ध्यान में रखिएगा। यूपीटीजीटी 2021 में पूछा था तो जिसमें आपका कंफ्यूज किया था, तो किलोमीटर पर आवर की जगह पर किलोमीटर प्रति सेकेंड दे दिया था। तो प्रति सेकेंड जब रहेगा तो सेकेंड रहेगा तो मीटर रहेगा, आवर रहेगा तो किलोमीटर रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दोनों ही है आपका स्पीड की इकाई, ये ध्यान में रखिएगा। और किलोमीटर प्रति सेकेंड देगा तो वेलोसिटी की इकाई हो जाएगा। अब फोर्स की इकाई क्या होता है? न्यूटन। जैसे कि जो बल की इकाई होता है वो न्यूटन होता है। जैसे कि बल का मात्रक जो होता है सीजीएस, एमपीएस और एफपीएस, तीनों पद्धति में अलग अलग होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेमी ग्राम सेकेंड, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, और एमपीएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोमीटर मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब एमपीएस पद्धति में एमपीएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और बल का मात्रक होता है एमपीएस पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और एफपीएस, एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फूट पाउंड सेकेंड, जिसका बल का मात्रक एफपीएस पद्धति में होता है पाउंडल। ठीक है, फुल फॉर्म होता है फूट पाउंड सेकेंड और मात्रक होता है पाउंडल, पाउंड नहीं होता है, पाउंडल होता है। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन की इकाई क्या है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि त्वरण यानी कहते किसे है? एक्सीलरेशन यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि आप 100 मीटर स्टार्ट ले रहे हैं तो जो 60 सेकेंड तक यानी कि 20 से 25 मीटर तक जो आप एक बहुत स्पीड से दौड़ते हैं यानी एकाएक गति को बढ़ाते हैं, उसको एक्सीलरेशन जोन बोला जाता है। नेक्स्ट है अभिकेंद्रक बल का सूत्र क्या है? तो अभिकेंद्रक बल का सूत्र होता है एम वी स्क्वायर अपान आर।
जैसा कि दोस्तों जो एक्सीलरेशन होता है वो 6 सेकेंड में आपकी दूरी मापता है। जैसे कि आप 100 मीटर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पूरे बल के साथ स्टार्ट करते हैं, एकाएक अधिकतम शक्ति को प्राप्त करना वो एक्सीलरेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीटीजीडी 2021 में। तो एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को, एकाएक आप वेग को परिवर्तन किए वो जैसे कि 20 से 25 मीटर तक, यानी 6 सेकेंड में आपको गति लेनी होती है अधिकतम गति को, फिर आपका एक मिनिमम गति से चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ग की इकाई क्या है? तो वर्ग की इकाई जूल होती है। एंड नेक्स्ट है एनर्जी की इकाई क्या है? तो एनर्जी की भी इकाई होती है जूल। नेक्स्ट है पावर की इकाई क्या है? तो पावर की भी पावर की इकाई होती है वाट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।